हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूलिमिनी सेंस में। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी फैमिली को 1,000 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा की फैमिली बना दिया है। थैंक यू सो मच। आज हम हार्ट के दूसरे पार्ट की बात करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस और इसके साथ ही कार्डियक साइकिल, और थोड़ा बहुत इंट्रो रहेगा इसमें ECG का। ओके, तो हम शुरू करते हैं सर्कुलेशन की कहानी से। हार्ट का सर्कुलेशन वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, पर इसमें से मैं कुछ डिफरेंट तरीके से आपको शो करना चाहूँगी। तो राइट एट्रियम में सबसे पहले समझ लीजिए ब्लड है। ये जो ब्लड है ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वैल्व। ओके, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वैल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। और ये जो ब्लड है ये कैसा है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ब्लू से बना रही हूँ। जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो मैं इसको रेड से बनाऊंगी। तो राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो ब्लड है ये जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में किस वजह से, मतलब किसके थ्रू जा रहा है, ये पल्मोनरी वेल्व के थ्रू जा रहा है। एक तरह का सेमिलनर वेल्व है, उसके थ्रू ये जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी जो है इकलौती एक ऐसी आर्टरी है आपके बॉडी की जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अदरवाइज जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। हमने इसका नाम आर्टरी इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ऑर्गन को सप्लाई कर रही है, इसलिए इसका नाम आर्टरी रखा गया है। अदरवाइज ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले गई आपके लंग्स में। ओके, लंग्स में ले गई, वहाँ पहुँची, डिवाइड हुई वो पल्मोनरी कैपिलरीज में। पल्मोनरी कैपिलरीज में क्योंकि आप रेस्पायरेशन कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो गैशियस एक्सचेंज होगा, जो आपकी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगी और आप ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। तो ये जो डिफ्यूजन होगा, जो एक्सचेंज होगा गैसेस का, उसके वजह से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड। तो इसलिए अभी रेड से शो कर रही हूँ मैं। तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आएगा पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वैल्व। बाइकस्पिड वैल्व को हम माइट्रल वैल्व भी कहते हैं, कुछ लोग उसको मीट्रल कहते हैं पर मैं माइट्रल बोलती हूँ। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाएगा अयोटा में। अयोटा जो होती है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जो सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है। और एओर्टा में जो ब्लड है वो किस वाल्व के थ्रू आया है, वो आया है एओर्टिक वाल्व के थ्रू। अब ये जो एओर्टा है ये आपके सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। टिश्यूज़ को, सेल्स को जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उतना वो रख लेंगे, बाकी उनका जो यूज़ किया हुआ ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा, आपका ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ये ब्लड फिर आपके हार्ट की तरफ चला जाएगा। जो आपकी लोअर बॉडी है वो इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को पहुंचाएगी, अपर बॉडी सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू, और जो हार्ट की मसल्स है वो खुद भी ऑक्सीजन यूज़ करती हैं तो वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में पहुंचा देंगे। और इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। पल्मोनरी पार्ट में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो आपके बाकी सिस्टेमिक टिश्यूज कैपिलरीज में जो हो रहा है उसे हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस तरह से दो सर्कुलेशन हो गए। अब हम बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम की। तो कंडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्योंकि हम जानते हैं हार्ट जो है उसको हमेशा चलते रहना है, वो रुकेगा नहीं, आपकी मर्जी से चलेगा या रुकेगा नहीं, उसको तो चलते ही रहना है। तो इट मीन्स क्या, जो हार्ट है वो ऑटो रिदमिक ऑर्गन हुआ, उसकी जो सेल्स है उसकी जो मसल्स हैं वो ऑटो रिदमिक है, वो खुद ही से अपना रिदम प्रोड्यूस करते हैं और अपना काम करते हैं। तो ये जो रिदम है ये प्रोड्यूस होता है SA नोड से, इसीलिए हम उसको कहते हैं पेस मेकर। ओके, तो इस पेस मेकर से SA नोड से जो है कंडक्शन सिस्टम शुरू होता है। यहाँ पर सबसे पहले इम्पल्सिस आती है। ओके, ये इम्पल्सिस जो है आगे कंडक्ट होती है AV नोड की तरफ। ओके, AV नोड से ये जाती हैं आपके बंडल ऑफ हिज की तरफ। अच्छा, ऐसे नोड का जो डीपोलराइजेशन है वो क्या कॉज कराएगा, कंडक्शन टुवर्ड्स AV नोड, और इसके अलावा वो एट्रिया, जो आपके एट्रिया है उनका कॉन्ट्रैक्शन भी करवाएगा क्योंकि उनमें डीपोलराइजेशन क्रिएट करेगा। इसी तरह जो आपका AV नोड है वो आगे की तरफ कंडक्ट कर देगा पूरी इम्पल्सिस को, तो आगे की तरफ बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट है।
बंडल ऑफ हिज जो है वो आगे जाके और एकदम फाइबर्स में क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे मसल्स में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो फाइबर्स हैं, इनको हम कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स जो है वो आपके वेंट्रिकल्स की जो मसल्स होती हैं उनमें पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वेंट्रिकल्स जो है वो ज़्यादा मस्कुलर बॉडीज़ हैं आपके हार्ट की, क्योंकि उनको ज़्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि वो आपके ऑल ओवर द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा के थ्रू पहुंचा रहा है, तो उसमें तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा मस्कुलर होने की ज़रूरत है। तो इस तरह से यहाँ परकिंजे फाइबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल की। एक्शन पोटेंशियल हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो वेंट्रिकल मसल्स का है, ना कि वो आपके किसी SA नोड या AV नोड का। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं मसल्स के एक्शन पोटेंशियल की, मतलब वेंट्रिकल मसल्स के, तो हम पहले बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90। ओके, हम यहीं से अपना कर्व चालू कर रहे हैं। हमेशा जो हम नर्व में या हम मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में पढ़ते आए हैं, तो एक्शन पोटेंशियल के दो फेजेस होते हैं। एक होता है रीपोलराइजेशन, सॉरी एक होता है डीपोलराइजेशन, एक होता है रीपोलराइजेशन। यहाँ पर तीन होते हैं। पहला होता है डीपोलराइजेशन, दूसरा होता है प्लैट्यू फेज, थर्ड होता है रीपोलराइजेशन। अगर आप यहाँ पे जो कर्व देख रहे हैं उसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एक एकदम स्ट्रेट लाइन है जो ऊपर की तरफ चढ़ रही है, फिर एक मेंटेन्ड लाइन दिख रही होगी स्टेशनरी टाइप से, और तीसरी ये जो रेड कलर का जो मैंने शो किया है। इस पूरे सिस्टम में, प्रोसेस में आपको 0.3 सेकेंड्स लग रहे हैं। फर्स्ट फेज जो है वो हमारी होती है डीपोलराइजेशन फेज। ओके, रैपिड डीपोलराइजेशन भी हम इसको कह सकते हैं। सेकेंड वाला जो है उसको हम कहते हैं प्लेट्यू फेज, या हम इसको कह सकते हैं मेंटेन्ड डीपोलराइजेशन फेज। और आखिरी जो होती है उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन फेज। जो डीपोलराइजेशन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्पल्सेस जनरेट हुई हैं, ठीक है, तो सडनली जो है आपके जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो रहे हैं, और उसके वजह से जो आपका क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा है। अब क्योंकि आपका वोल्टेज बदल रहा है, तो क्योंकि हार्ट में तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, वो ओपन हो जाएंगे, तो क्योंकि प्लस चार्ज जो है वो अभी अंदर आ रहा है, तो इसके वजह से जो आपका डीपोलराइजेशन है वो कम होने की वजह वो मेंटेन्ड रहेगा कैल्शियम इनफ्लो के कारण। और उसके बाद जब वो चैनल्स बंद हो जाएंगे तो आपके पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, और पोटेशियम जो होगा वो आपका सेल से बाहर जाने लगेगा, और उस वजह से रीपोलराइजेशन होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। यह मैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की कोई बड़ी पंचायत नहीं करने वाली हूँ, एक छोटा सा इंट्रो है, क्योंकि मैं इसको कार्डियक साइकिल के साथ ही आपको समझाना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा इंट्रो मुझे बताना पड़ेगा। और मेन तो आपको वेव्स पर फोकस करना है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का जो एक ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने हार्ट को गलती से हार्ड लिख दिया है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को इग्नोर करें, वो मैंने बहुत पता नहीं वो मिस्टेक मैंने कैसे कर दी। अगर हम बात करें कि ईसीजी को किसने खोजा था, या फादर ऑफ ईसीजी किसको कहते हैं, तो इंथोवन विलम को फादर ऑफ ईसीजी कहते हैं। जो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, वो आपने भी देखा होगा, एक शीट होती है उस पर ग्रिड होती है रेड कलर की, है ना, तो वो जो ग्रिड होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड, उस पर उसको प्लॉट करा जाता है। इसमें हर एक चीज़ का मीनिंग होता है, इसमें ये जो ग्राफ्स बने हुए हैं उनका एक मीनिंग होता है, और जो ग्रिड बनी है उसका भी मीनिंग होता है। उसमें जो एक्स एक्सिस होती है वो आपको आपके टाइम को डिनोट करता है। ओके, तो उसमें 1 mm का मतलब होता है 0.04 सेकेंड्स, और 5 mm का मतलब होता है 0.2 सेकेंड्स, और वाई एक्सिस पर 1 mm का मतलब होता है 0.1 mV मिली वोल्ट, एंड 5 mm का मतलब होता है 0.5 mV। इस तरह की ग्रिड होती है, छोटी बारीक बारीक सी, और उसमें पूरा ईसीजी प्लॉटेड होता है, सभी ने देखा होगा। और अगर हम बात करते हैं मेन चीज़ जो यहाँ पे फोकस करने लायक है, वो है इसके वेव्स। तो यहाँ पे मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ ब्लू कलर से, वो वेव्स हैं एक नॉर्मल ईसीजी की। मतलब जैसे कि मैं नॉर्मल हूँ तो मेरा ईसीजी कुछ इस तरीके का आएगा, पर जो अब नॉर्मल पेशेंट होंगे उनमें ये जो सेगमेंट्स हैं, ये जो वेव्स हैं, ये कुछ उल्टी पुल्टी आ सकती हैं, कम ज़्यादा आ सकती हैं। ओके, तो वो डिपेंड करता है उनको किस तरह की अबनॉर्मेलिटी है। तो यहाँ पर ये जो वेव्स हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कौन सी क्या क्या है। जो फर्स्ट मैंने बनाई है, छोटा सा डिफ्लेक्शन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम कहते हैं पी वेव। ओके, फिर इसके बाद एक सेकेंड हल्का सा नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन, वो है क्यू। फिर एक बहुत ही ज़्यादा रैपिड ऊपर आर, नीचे एस, और फिर टी। एक यू भी होता है, पर वो जो यू है वो एबनॉर्मल कंडीशंस में आता है। ओके, तो जो पी वेव है वो शो करता है
एट्रियल डीपोलराइजेशन को, मतलब एट्रिया जो है वो डीपोलराइज होते हैं तो पी वेव आता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पूरा ही शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, रैपिड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। और तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जैसा कि रैपिड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है, तो उसके जस्ट बाद जो टी वेव आएगी वो क्या शो करेगी, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। जो मैंने बताया समटाइम्स यू वेव आती है वो आपकी जो पैपिलरी मसल्स होती हैं उनका डीपोलराइजेशन शो करती है। ओके, एबनॉर्मल कंडीशंस का है वो। इनका जो ड्यूरेशन है वो पी वेव का होता है 0.1 सेकेंड, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का होता है 0.1 सेकेंड, और जो आपका आखिरी है टी वेव उसका होता है 0.3 सेकेंड्स। ओके, 0.3 सेकेंड्स। इस तरीके से यहाँ पे टाइमिंग दी रहती है। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं जो है हमारा कार्डियक साइकिल। 10 मिनट के बाद मैं मेन मुद्दे पर आई हूँ। कार्डियक साइकिल जो है, नाम से समझ में आ रहा है, कार्डियक साइकिल, हार्ट का साइकिल। ओके, क्योंकि हमारा हार्ट कंटिन्यूसली काम कर रहा है, मतलब वो एक स्पेसिफिक रिदम में काम कर रहा है, ये तो हमने बात कर ही लिया। तो वो जो रिदम है वो बना रहता है हमेशा, वही 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 रिदम चलते रहता है। तो इसलिए क्या ये साइकिल है, हार्ट में हो रही है इसलिए कार्डियक साइकिल। ओके, तो हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड कार्डियक इवेंट्स ड्यूरिंग ईच बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। जब किसी इंसान में जो हार्ट बीट होती है वो 75 पर मिनट्स होती है, तो उसका कार्डियक साइकिल होता है एवरेज 0.8 सेकेंड्स का। कार्डियक साइकल्स में क्या हो रहा है कि आपका जो एट्रिया है और आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो बार बार क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, इस तरीके से। मतलब ब्लड को पंप करना है ना, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तो होना पड़ेगा। तो इसमें इसी बेस पर इवेंट्स होते हैं। पहले इवेंट, मतलब इवेंट की बात कर लेते हैं, तो पहले होते हैं एट्रियल इवेंट्स, मतलब एट्रियम में होने वाले चेंजेस, और दूसरे होते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स। एट्रियल इवेंट्स में आते हैं दो दो, क्या क्या, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर वो रिलैक्स होगा, वेरी सिंपल। मतलब इसको हम अगर कार्डियक लैंग्वेज में बात करें तो ये होता है एट्रियल सिस्टॉल एंड एट्रियल डायस्टॉल। स्टॉल मतलब वो जब कॉन्ट्रैक्ट हो, ओके, डायस्टॉल मतलब जब वो रिलैक्स हो। सिस्टॉल क्यों, क्योंकि उसको ब्लड पंप करना है। डायस्टॉल क्यों, क्योंकि उसको ब्लड को फिल करना है अपने अंदर, ठीक है। तो फिलिंग फेज और एक्चुअली पंपिंग फेज, इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर मैं अपने हाथों के एग्जांपल से समझाऊंगी यहाँ पर, तो देखिए आप, मान लीजिए ये पोर्शन वेंट्रिकल्स हैं, ओके, और मेरे हाथ, ये वाली जो पाम है मेरी वो एट्रिया है। मैं यहाँ लेफ्ट हैंड से लिख रही हूँ, मैं लेफ्टी नहीं हूँ इसलिए ख़राब राइटिंग हो सकती है मेरी। तो देखिए इस तरीके से काम करते हैं, ये एट्रिया, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से ये काम चल रहा है। अगर आप नोटिस करो तो दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। मींस ऐसा नहीं है कि एक बार एट्रिया ने काम कर दिया, एक बार वेंट्रिकल्स, नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो इवेंट्स हैं ये मिलीभगत है, एक तरह से देखा जाए तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो एट्रियल सिस्टॉल डायस्टॉल में तो स्पेसिफिकली कोई और सब प्रोसेसेस नहीं होती है, बट यहाँ वेंट्रिकल्स में है। तो जो वेंट्रिकल सिस्टॉल में दो है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब सेम लेंथ बट डिफरेंट टोन, एंड इजेक्शन, इजेक्शन पीरियड्स। ओके, डायस्टॉल में है प्रोटो डायस्टॉल, इनिशियल फेज ऑफ डायस्टॉल। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, इट मीन्स यहाँ पे वही लेंथ सेम रहेगी, टोन बदल जाएगी, वॉल्यूम भी सेम रहेगा। रैपिड फिलिंग फेज, 70% ब्लड जो है एकदम से फिल हो जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। स्लो फिलिंग फेज में 20% ब्लड जो है स्लोली 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 फिल होगा। फिर है लास्ट रैपिड फिलिंग, तो जो 10% बचेगा वो भी एकदम से फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इवेंट्स चलते हैं आपके कार्डियक साइकिल में। अब इनका ड्यूरेशन क्या होता है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि ओवरऑल जो है कार्डियक साइकिल वो 0.8 सेकेंड्स का है, बट ये सभी कितने के होते हैं। एट्रियल सिस्टॉल 0.1 सेकेंड का है, डायस्टॉल 0.7 सेकेंड्स का है, वेंट्रिकल सिस्टॉल जो है 0.3 सेकेंड्स का, डायस्टॉल 0.5 सेकेंड्स का है। ओके, अब हम इस पूरी कहानी में कार्डियक साइकिल देखेंगे विद ईसीजी, प्रेशर एंड हार्ट साउंड, कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। आई होप मैं ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली समझा पाऊँ। ओके, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैंने फेज दिखाने के लिए यहाँ पे कलर्स अलग अलग यूज़ किए हैं,
ब्लू कलर यूज़ किया है, लाइट ब्लू यूज़ किया है, ऑरेंज यूज़ किया है, तो जहाँ जो होगा वहाँ पर वही कलर होगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, आपको प्लीज़ इसको बड़े स्क्रीन पर देखिएगा ताकि आप इजीली समझें। हम कार्डियक चेंजेस की सीधे बात करते हैं। कार्डियक साइकिल में सबसे पहले होगा, समझ लीजिए, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया में ब्लड भरा हुआ है, अब इस ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर जाना है, तो वेंट्रिकल्स के अंदर जाने के लिए आपके वेल्व्स का ओपन होना ज़रूरी है। कौन से वेल्व्स आपके? वही ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ठीक है। ये लीजिए, एट्रिया आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए और वेंट्रिकल्स में ब्लड चला गया क्योंकि दोनों वेल्व्स ओपन थे। अब सेकेंड कंडीशन है आइसो वॉल्यूमेट्रिक या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आपके बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व दोनों ही बंद हो जाएंगे, ओके। तो जो आपका ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ वो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपके राइट एट्रियम में भरा हुआ है और लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल में भरा हुआ है और लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है और दोनों ही वेल्व्स क्लोज हो चुके हैं, तो बैक फ्लो के नो चांसेस, ओके। तो अब ये जो ब्लड भरा है, अब इसको कहाँ जाना है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में जाना है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाना है एओर्टा से ऑर्गन्स में। तो अब आपकी आएगी कहानी कौन सी? वेंट्रिकल इजेक्शन की। वेंट्रिकुलर इजेक्शन में क्या होगा? सेमिलिनर वेल्व्स दोनों ओपन हो जाएंगे। कौन है सेमिलिनर वेल्व्स? आपका पल्मोनरी वेल्व और आपका एओर्टिक वेल्व दोनों ही ओपन हो जाएंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू चला जाएगा आपके टिश्यूज में। ये देखिए, खत्म स्टोरी, ओके। कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वेंट्रिकल्स का, इसलिए पंप हो गए। अब अगली कहानी आती है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन की। इट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ अब वो वापस से रिलैक्स फेज में आएगा, रिलैक्स फेज में आएगा, लेकिन ब्लड तो बाहर जा चुका, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ब्लड बच गया। अभी थोड़ा सा ब्लड क्यों बचा, ये क्या है, ये क्यों है, इसकी कहानी हम अगले part 3 में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं अब क्या होगा। अब जो है जो ब्लड जाना था भैया वो तो चला गया, लेकिन अब बंद हो चुके हैं सेमिलिनर वाल्व्स, ठीक है। सेमिलिनर वाल्व्स जो है वो बंद हो चुके, क्यों बंद हो चुके? ताकि बैक फ्लो ना हो, सिंपल सी कहानी है। इसी वक्त साइमल्टेनियसली आपके जो एट्रियम थे उनमें ब्लड फिलिंग चालू हो चुकी है, ठीक है। एट्रियम में ब्लड फिलिंग कहाँ से हुई? राइट में से, वही सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, और राइट जो आपका लेफ्ट है उसमें पल्मोनरी वेन से ये आ गया ब्लड, ठीक है। अब आपका जो है वो होगा वेंट्रिकुलर फिलिंग, ओके। फिलिंग कैसे होगी? क्योंकि एट्रियम में ब्लड ब्लड प्रेजेंट है तो वो तो सीधा उसको आना कहाँ है, उसको अल्टीमेटली आना तो वेंट्रिकल्स में है ना, तो वो स्लोली रैपिडली अब जो भी फेज वो फॉलो कर रहा है उसके थ्रू वो आपके वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। वेंट्रिकल्स में आने के लिए क्या चाहिए? वेल्व्स का ओपन होना चाहिए, वेल्व्स ओपन होंगे और ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। और इस वक्त भी आपका एट्रियम में और एट्रियम में जो है एंट्री चलती रहेगी ब्लड की, और आखिरी कहानी फिर भाई एट्रियम जो है वो हो जाएंगे खाली, मीन्स हो जाएंगे खाली कुछ वक्त के लिए और वेंट्रिकल्स को पूरा अपना ब्लड दे देंगे और वही वेंट्रिकल्स का फिर से बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स जो है वो बंद हो जाएंगे, और मतलब ये पूरा साइकिल जो है रिपीट होता रहेगा। मेन कहानी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब मैं आपको बताऊंगी ये जो ऊपर की कहानी चल रही है उसके साथ इसका क्या कनेक्शन। बात करते हैं हम यहाँ से, पी वेव है, पी वेव में एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, आगे आपका जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ सबसे पहली जो कहानी है नीचे की तरफ वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस की है, ओके। यहाँ पे कोई साउंड नहीं है हार्ट के अंदर, ये बस ब्लड आ रहा है, ख़त्म। सेकंड बात क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए क्या चाहिए आपको? उनका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेल्व्स क्लोज होंगे, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है बाइकस्पिड वेल्व क्लोजेस, ओके। बाइकस्पिड वेल्व जो है वो क्लोज हो गए। अब उनके क्लोज होने के बाद में क्या हुआ, एकदम से प्रेशर बढ़ा। आपका जो प्रेशर है जितना कम था वो प्रेशर आपका चला जाएगा वेंट्रिकुलर प्रेशर एकदम हाई पर, 120 पर, जैसा कि आपका एओर्टिक प्रेशर होता है, दोनों ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस कंडीशन में आपको सुनाई देगा पहला हार्ट साउंड S1 जो मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है। फिर इसके बाद अगली कंडीशन आपकी आएगी तो उसमें क्या होगा, ये जो T वाला डिफ्लेक्शन दिख रहा है, मींस यहीं से कहानी अब चलने वाली। अब क्या होगा, अब आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगे
और जो आपका ब्लड जो चला गया था वो ब्लड मतलब जो चला गया वो तो आपके हार्ट आपके ऑर्गन्स को वगैरह सप्लाई हो जाएगा, लेकिन अब जो वेंट्रिकल्स खाली छूट गए हैं वहाँ पे अब बाइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन होंगे, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे एओर्टिक वाल्व क्लोज हुए वहाँ पर भी एक साउंड आया, S2 साउंड जिसको हमने बोला, ठीक है। तो इस तरह से हार्ट साउंड दो हो गए। अगर उसके लिए भी मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से सारा होगा आपका कार्डियक साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।